लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में पाला बदलकर एनडीए के साथ वापसी की उसके बाद इस गठबंधन में मामला सुलझने के बजाय ज्यादा उलझता दिखाई दे रहा है क्योंकि पुराना सीट बंटवारे का फॉर्मूला धरा का धरा रह गया और नए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अब तक सहमति नहीं बन बन पाई है नीतीश कुमार के आने के बाद बीजेपी के अन्य सहयोगी दल अब इस गठबंधन में असहज हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है और इसी का फायदा अब विपक्षी खेमा भी उठाना चाहता है हर कोई इस बात को अच्छे से समझता है कि बिहार की राजनीति में लोकप्रियता के मामले में चिराग पासवान एक मजबूत करी है। और चिराग की लोकप्रियता अब विपक्षी खेमा उसी चिराग पासवान पर डोरे डालना शुरू कर चुका है बीते दिनों तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी और संकेत कर दिया और चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का अप्रत्यक्ष तौर पर निमंत्रण भी दे दिया लेकिन चिराग पासवान को लेकर अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान को इंडी अलायंस से बड़ा ऑफर मिला है जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार चिराग पासवान को बिहार में लोकसभा की सीटें देने का वादा इंडी अलायंस के तरफ से किया गया है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी दो लोकसभा की सीटें देने की पेशकश की गई है यानी कि कुल दस सीटें लोकसभा की इंडी अलायंस चिराग पासवान को देने को तैयार हो गया है जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार चिराग पासवान को ऑफर की गई बिहार की आठ सीटों में वो सभी लोकसभा की सीटें शामिल है जिस पर 2019 के चुनाव में अविभाजित लोचपा ने जीत दर्ज की थी इसके अलावा राज्य में दो अतिरिक्त सीट देने की भी बात कही गई है इस तरह उन्हें कुल 10 सीटें देने का प्रस्ताव रखा गया है इंडी गठबंधन के तरफ से दिया गया ऑफर चिराग पासवान के लिए बेहद लुभावना है क्योंकि भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में उन्हें सिर्फ वही 6 सीटें दी जा सकती हैं जो 2019 में पार्टी ने जीती थी हालांकि उसमें भी बड़ा पेच है क्योंकि दूसरा गुट लोचपा का पशुपति पारस का है और उनके पास भी पुराने सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है और ऐसे में वो भी लगातार उन पुरानी सीटों पर जोर का दावा कर रहे हैं ऐसे में एनडीए के अंदर चिराग पासवान के लिए मुसीबत जो है वो बड़ी खड़ी है और इसलिए चिराग पासवान को एनडीए में कितनी सीटें मिलेंगी इसको लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है हालांकि ये बात जरूर कही जा रही है कि बीजेपी एनडीए के अंदर पारस से ज़्यादा चिराग पासवान को ही भाव देगी लेकिन जब तक सीटें फाइनल ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद 2021 में पार्टी विभाजित हो गई थी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने पांच सांसदों के साथ विद्रोह करते हुए पार्टी पर कब्जा कर लिया था इस विद्रोह के कुछ दिनों बाद ही पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने पर चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार पर हमला बोला था हालांकि उन्होंने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने से परहेज किया था चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते रहे हैं जबकि 2020 के विधानसभा चुनावों से ही नीतीश कुमार के घोर विरोधी रहे हैं अब इंडीकट बंधन से नीतीश के निकलने के बाद उनके दुश्मन को दोस्त बनने का ऑफर दे दिया गया है अगर चिराग ये ऑफर मान लेते हैं तो एनडीए को करीब 5 फीसदी वोट गंवाना पड़ सकता है राज्य में पासवानों का क साढ़े पांच फीसदी वोट है जिसे चिराग पासवान के साथ माना जाता है पीएम मोदी की हालिया दो सभाओं में भी चिराग पासवान शामिल नहीं हुए थे जिससे उनके नाराज होने की चर्चा चल रही है। अब देखना होगा कि इंडी गठबंधन से दिए गए ऑफर को चिराग पासवान कबूल करते हैं या फिर एनडीए में चिराग पासवान की शर्तों को माना जाता है लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें